मुँ आज बंधा कोबी रे गोटे नुआ प्रकार रेसिपी बनेबी। एबे तो बहुत भल बंधा कोबी मिलूची, आपण जदि से गोटे प्रकार बंधा कोबी तरकारी कि भजा खाई खाई बोर हो गलेनी ताहले बंधा कोबी को थरे एमती प्रस्तुत करंतु। ये भात रुटी परटा सबुथरे खाइबा पई भल लागिबो। आउ डेरी न करी चालंतु प्रस्तुत करिबा आजिर रेसिपी। नमस्कार, ट्विंकल किचन को आपण मानको स्वागत। बंधा कोबी रो एही रेसिपी पाई मैठी किछ बंधा कोबी नै छी। बंधा कोबी को मैठी पूरा पतला पतला करी काटी कि नै छी। आपण बंधा कोबी को जत्ते पतला काटी परिबे सेते पतला काटी कि नेबे, नहले बंधा कोबी सिजिबा पाई टिके अधिक समय लागिबो। बंधा कोबी रो क्वांटिटी आपण आपणक हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। मुँ एठी गोटे मीडियम साइज पियाज को पतला पतला लंबा लंबा करी काटिकी नहीं छी। आपण चाहिले पियाज को छोटो छोटो करी काटिकी नहीं पारिबे। पियाज रो क्वांटिटी आपण चाहिले आपणक टेस्ट अनुसार अधिक करी पारिबे। मुँ एथिरे गोटे कंचा लंका को छोटो छोटो करी काटिकी पकाई छी। आपणक जेतिकी राग दरकार आपण से अनुसार कंचा लंका पकाइबे। एबे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लुण पकाइबा, लंका गुंड पकाइबा। लंका गुंड एठी ऑप्शनल अछि, आपनकु जेतेकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड पकाइबे। 1/4 टेबल स्पून हळदी गुंड पकाइबा, हळदी गुंड बि एठी ऑप्शनल अछि। मु एथिरे एबे गोटे छोटो चम्मच चिकन मसला पकाउछि। आ जागारे आपण किछि भी सब्जी मसला पकाइ परिबे, नहले चाट मसला पकाइ परिबे। मुँ एथिरे एबे अधा छोट चमच गरम मसला गुंड पकाउछि, आ गोटे छोट चमच अदा रसुण बटा देइछि। सबुक एबे आमे भल भाबे मिक्स करि दबा, जेमती मसला बंधा कोबी रे भल भाबे मिक्स होइछिबो। सबुक भल भाबे मिक्स कला परे मुँ एथिरे चाउल गुंड दउछि। मुँ एठी हाफ कप चाउल गुंड दउछि। धीरे धीरे चाउल गुंड देइ आमे आकु मिक्स करिबा। चाउल गुंड जगारे आपण कॉर्नफ्लोर नै परिबे। एथिरे आपण बिल्कुल भी पानी देबेनी। आमे बंधा कोबी रे लुण पकाई कि मिक्स करिचे। एहा द्वारा धीरे धीरे बंधा कोबी रु पानी बाहरिबो आ ये भल भाबे बाइंडिंग हेइचिबो। मु एथिरे बे बेसन दउछि। मु एठी 1/4 कप बेसन नैछि। सबुकु भल भाबे मिक्स करि दबा। मु एठी सबुकु भल भाबे मिक्स करि दैछि। एबे आमे हातरे किछि मिक्सर नबा आ ताकु एमति राउंड शेप दे दबा। ये जदि भल भाबे बाइंडिंग हे जाउछि ताहाले आपण एथिरे आउ किछि मिसैबा दरकार नै। जदि एठी बाइंडिंग होउनी ताहाले आपण एथिरे आउ चाउल गुंड कि बेसन मिक्स करि परिबे। एबे आमे किछि मिक्सर नबा आ ताकु राउंड शेप दे दबा। आपणकु जेतेकि बड़ टिकी दरकार आपण से अनुसार मिक्सर नेबे। राउंड बॉल को आर हाते प्रेस करि ताकु आमे टिकी शेप दे दबा। माकु कम तेल रे फ्राई करिबि सेति पई टिकी शेप दउछि। आपण आकु जदि तेल रे छाणिबा पई चाहिबे ताहाले आपण आकु कोनोसी भी शेप दे पारिबे। एमती भाबे आमे सबु मिक्सर टिक्की बनई दबा। आपण ए मिक्सर को रेस्ट करिबेनी, सांगे सांगे टिक्की बनई कि आकु फ्राई करिबे। मु एते सबु मिक्सर टिक्की बनई दैछि। एबे आमे ए टिक्की को फ्राई करिबा। मु एते नॉनस्टिक पैन ने अल्प किछि तेल दे गरम हबा को रखिछि। आपण चाहिले ए टिक्की को तेल रे छाणि परिबे। तेल भल भाबे गरम हला परे आमे एथिरे गोटे गोटे करी बंधा कोबी टिक्की को दे दबा। आपणक प्यान ने जेतिकिटा टिक्की जगह हबो सेतिकिटा टिक्की देबे। लो फ्लेम रे आमे आरो गोटे पट साइड को 4-5 मिनिट पर्यंत फ्राई करिबा, जेमति ये भल भाबे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राई हे जिबो। एटी 4-5 मिनिट हे गलानी। एबे आमे को धीरे कि लेउटै दबा। आरो ऊपर पट सॉफ्ट अछि, आपण को धीरे धीरे कि लेउटैबे। देखि पर्थिबे आरो गोटे पट साइड भल भाबे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राई हे जाइछि। सबु टिक्की को लेउटेला परे टिक्की रो आरपट साइड को भी आमे लो फ्लेम रे 4-5 मिनिट पर्यंत फ्राई करिबा, जेमती आरपट साइड भी भल भाबे फ्राई हे जिबो। आपणा को लो फ्लेम रे फ्राई करिबे, बेसी हाई फ्लेम रे फ्राई करिबेनी, नहले बंधा कोबी कंचा रहिबो। एठी 4-5 मिनिट हे गलानी। मु एठी आपण को लेउटे कि देखै दउछि। देखि पर्थिबे टिक्की रो आरपट साइड भी भल भाबे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राई हे जाइछि। एबे आमे ए टिक्की को गोटे प्लेट रे काढ़ी दबा। एमती भाबे आमे बाकी सबु टिक्की को भी फ्राई करि दबा। आपण चाहिले ए टिक्की को एमती ग्रीन चटनी सहित कि टमाटो केचप सहित खाइ परिबे। मु किंतु आरो तरकारी बनेबी।
तरकारी पाई मेठी गोटे पैन ने अल्प किछि तेल दे गरम हबा को रखी थी। तेल भल भाव गरम होगा मुझे कंचा लंका आ रसुण देछि। मुझे गोटे कंचा लंका आ पाँच रु छ पाखुड़ा रसुण को छोट छोट कर काटिक नहीं आपन को जी राग दरकार आपन से अनुसार कंचा लंका ने कंचा लंका आ रसुण को 20-30 सेकेंड पर्यंत फ्राए कला मेथी पियाज दौची। मुझे गोटे बड़ पियाज को एमती टे बड़ बड़ खंड कर काटिक नहीं पियाज को एवं आम हाई फ्लेम 2-3 मिनिट पर्यंत भाजवा। पियाज को बेसी गोल्डन ब्राउन कलर कर भाजवा दरकार नहीं पियाज टी सॉफ्ट हो भाजी हो गला मुझे कैप्सिकम दौची। मुझे गोटे मीडियम साइज कैप्सिकम को भी जो साइज रो पियाज काटिक नहीं सैज कर काटिक नहीं कैप्सिकम को हाई फ्लेम रे गोटे 2 मिनिट पर्यंत भाजवा जमती कैप्सिकम टी सॉफ्ट हो गोटे 2 मिनिट पर मुझे टमाटो दौची। मुझे गोटे मीडियम साइज टमाटो को जो साइज रो पियाज काटिक नहीं सैज काटिक नहीं पियाज कैप्सिकम आ टमाटर क्वांटिटी आपन आपन को हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। सबको भल भाव मिक्स कर आम आपको 2-3 मिनिट पर्यंत फ्राए करवा जमी टमाटो टी सॉफ्ट हो एटी 2-3 मिनिट हो गला टमाटो एटी सॉफ्ट हो जाए एमें कि सॉस पकेबा। मुझे 2 छोट चम्मच टमाटो केचप दौची गोटे छोट चम्मच चिली सॉस पकाउची आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार चिली सॉस पकेबे। गोटे छोट चम्मच सोया सॉस दैची सबको भल भाव मिक्स कर दबा आ मुझे हाफ कप पानी दौची। एबे आम सबको भल भाव मिक्स करदबा एमें स्वाद अनुसार लुण पकेबा। आपन देखिक लुण पकेबे कारण आम कटलेट फ्राए कला बेले से लुण पकईचे आ सोया सॉस रे लुण थाए। मुझे एबे हाफ छोट चम्मच चीनी पकाउची चीनी एटी ऑप्शनल अच्छी सॉस रो टेस्ट को बैलेंस करिबा पई मुझे चीनी देची। सबको भल भाव मिक्स कर आम आपको हाई फ्लेम 2-3 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। एटी 2-3 मिनिट हो गला एमें फ्राए कर रखि कटलेट को देदबा और सबको भल भाव मिक्स करवा जमती सॉस कटलेट उपरे भल भाव कोट हो सबको भल भाव मिक्स कला आम आपको हाई फ्लेम रे गोटे 2 मिनिट पर्यंत फ्राए करवा। गोटे 2 मिनिट पर मुझे गोलमरीच गुंड पकाउची आपन को जेतिकी राग दरकार आपन से अनुसार गोलमरीच गुंड पकेबे। सबको भल भाव मिक्स करदबा सबको भल भाव मिक्स कला आम इंडक्शन बंद करदबा। बंधा कोबी रो ए नुआ प्रकार रेसिपी एटी रेडी हो जाइछि। जदि आपन को ए बंधा कोबी रो नुआ प्रकार रेसिपी भल लागथिबो ताला को लाइक करिबे आपन को सांग मानक सहित शेयर करिबे। जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करिनहंती ताले सब्सक्राइब करबा को जमर भूलिबानी पाखरते बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करिबे या तरह मो जो वीडियो आसीबो आपन प्रथमे देखि परिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग।